कृणाल पांड्या के बारे में, अगर उनके बारे में बात नहीं की तो अधेरे रह जाएंगे हमारे स्टैट्स। तो एक बार जल्दी से उनके स्टैट्स भी पढ़ के आपको बता देते हैं। फिलहाल स्टैट्स आ गए हैं, रन 34 बनाए इन्होंने, गेंद लिए हैं 23, चौके 4, छक्का 1, स्ट्राइक रेट है 147.82 का। कृणाल पांड्या हर तरीके से अच्छा खेला इन्होंने, मतलब 3 विकेट भी ले लिए हैं, बैटिंग भी शानदार की है, मुस्कुराते हुए, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है दोनों ही तरफ से, वो काबिले तारीफ है। तो यहाँ पे इनके स्टैट्स हमने आपको पढ़ के बता दिए हैं। अब बॉलिंग के स्टैट्स भी आ गए, ओवर 4 मेडन 0, रन 18, विकेट 3 और इकॉनमी 4.50। अब खुद आप सोचिए कि जिन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की है, इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है और कप्तान के साथ साझेदारी जो भी शानदार तरीके से निभाई है, वो पार्टनरशिप भी देखने लायक थी, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आज इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कुणाल कम होगी। बिल्कुल, कृणाल पांड्या ने एक उप कप्तान होने की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है और गेंद और बल्ले दोनों से जो हिट रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका दिन था, अपने दिन के ऊपर उन्होंने उसको मैक्सिमम जो है उसका यूटिलाइजेशन किया। मतलब बहुत भरोसा करती है लखनऊ की टीम कृणाल पांड्या के ऊपर, वाइस कैप्टन उनको बनाया गया है। आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि जो साझेदारी निभाई उन्होंने और उसके अंदर एक आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए 150 के करीब का है, खुद रिस्क लिए कैप्टन ने जो है वो एंकर की भूमिका निभाई, 55 रनों की कुछ साझेदारी थी जिस साझेदारी ने इंश्योर कर दिया कि लखनऊ की टीम क्रम्बल नहीं करने वाली, उनका कोई डाउनफॉल नहीं होने वाला, वो जैसे तैसे जो है इस स्कोर को हासिल जरूर कर लेंगे। मगर कृणाल पांड्या ने बल्लेबाजी में जो कमाल दिया उससे ज्यादा इंपैक्ट जो है उन्होंने गेंदबाजी में डाला है। मगर जब यहां पर हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी थी हैदराबाद ने, तब कृणाल पांड्या को पावर प्ले में 2 ओवर्स दिए गए, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में मयंक अग्रवाल को चलता किया, उसके बाद कृणाल ने अपने 2 ओवर जो है वो पावर प्ले में डाले। फिंगर स्पिनर जो होता है वो कई बार पावर प्ले में बहुत कामयाब हो जाता है, अक्सर हमने देखा है कि T20 मैचेस के अंदर, इस T20 लीग के अंदर भी फिंगर स्पिनर से जो है वो पावर प्ले में ओवर्स डलवाए जाते हैं। उसके बाद कृणाल पांड्या ने अपना 3रा ओवर जब वो करने आए तो उन्होंने अपनी 2 गेंदों के ऊपर वो कमाल कर दिया कि हैदराबाद की कमर ही टूट गई। मतलब पहली गेंद पर उन्होंने जो है माकरम को बोल्ड किया, ये उनके 3रे ओवर की 5वीं गेंद थी और जो उनकी आखिरी गेंद थी इस ओवर की उसके अंदर उन्होंने जो है अनमोल प्रीत सिंह को LBW कर दिया। ये वो 2 गेंदें थी जो कि अनप्लेएबल सी थी और उस ट्रैक पर फंस के गेंद आ रही थी तो वो और मुश्किल हो गई और इन 2 गेंदों ने ऐसा बैकफुट पर डाला हैदराबाद की टीम को कि फिर वहां से वो उबर नहीं पाए। 8.525 करोड़ में, माफ कीजिएगा, यहां पर लखनऊ की टीम ने जो है कृणाल पांड्या को अपनी टीम में शामिल किया था, पिछला सीजन भी उन्होंने खेला, उससे पहले वो मुंबई की तरफ से खेलते आए थे, 2015 से लगभग जो है वो खेल रहे हैं, 15-16 से वो इस लीग के अंदर खेल रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया पिछला सीजन उनका उतना बेहतर नहीं गया था, 183 रन बनाए थे, 10 विकेट लिए थे, मगर उसकी भरपाई जो है इस सीजन वो करना चाहते हैं, टीम भी उनको उस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, भरोसा जता रही है, बहुत सारे स्पिनिंग ऑप्शन थे मगर उन पर भरोसा जता के उनको पावर प्ले में जो है यहां पर गेंद थमाई गई, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है रिएक्ट किया और जैसा अलका ने बताया कि जो साझेदारी उन्होंने निभाई फिर उसके बाद बल्लेबाजी में आके, एक हरफन मौला खिलाड़ी जो मैच सिचुएशन में खेलना जानता है, टीम को जिताना जानता है, वैसे है कृणाल पांड्या। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तरीके से कृणाल ने डिस्क्राइब किया कृणाल को। और यहां पे देखिए, बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग भी अच्छी, साझेदारी भी अच्छी, समझदारी भी अच्छी।